नई सोच टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेख इकबाल हुसैन दानिश। नाजरीन, आज हम नहायत ही हिस्टोरिकल प्लेस पर मौजूद हैं जिसका नाम है गाड़ूलाल मंदिर। ये मंदिर लैया करोड़ के दरमियान में लैया से तकरीबन 25 किलोमीटर की मुसाफत पर वाकई है। हम मौजूद हैं, मेरे साथ दोस्त हैं मियां शमशाद हुसैन सिराई, जो एक शायर भी हैं, दानिशवर भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं, और इनके साथ हैं मियां इमदाद हुसैन लिखी से आपका द्वार दोस्त शेख इकबाल हैं और गुलाम मुस्तफा साहब जी। जी, ये दो दोस्त मौजूद हैं जो इस तरीकी मंदिर के बारे में हमें बताएंगे कि जी ये क्या है गाड़ूलाल मंदिर। शमशाद, मैं शुक्रगुजार हूँ नई सोच चैनल का कि जिन्होंने आज लैया से हमें साथ लिया और इस हिस्टोरिकल प्लेस पर हम पहुँचे हैं। ये गाड़ूलाल का मंदिर है, बहुत तारीखी हैसियत का हामिल है और यहाँ हम आए हैं। ये तकरीबन शहर लैया से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर और तकरीबन 2 किलोमीटर अली राजन दरबार के साथ है। तो मैं आपको जो मेरी मालूमात में है कि हमारे पूरे पंजाब में यहाँ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आबादी पार्टीशन से पहले इंटरमिंगल थे और रहते थे, बड़े अच्छे अंदाज से एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के तमाम मकामात मुकद्दसा का वो एहतराम करते थे। मुसलमान उनके मंदिरों का एहतराम करते थे और वो मस्जिद मसाजिद का और इमाम बारगाहों का। तो यहाँ जो है ना, ये आज भी जो है ना, जो मौजूदा शहर लैया मौजूद है वो हिंदू पीरियड की यादगार मौजूद है और उसी तरह की तर्ज के तमाम इमारात मौजूद हैं। तो ढींगड़ा फैमिली की काफ़ी अच्छी इमारत वहाँ मौजूद है। तो ये गाड़ूलाल और इसी तरह माधूलाल लाहौर में ये मंदिर बहुत मरूफ हैं और ये अब उस उनके धर्म में ये प्रेम की एक निशानी हुआ करते थे कि प्रेम मोहब्बत और इसकी। तो इसमें जो देवी थी अब वो नज़र नहीं आती, उसकी जगह मौजूद है, हम अंदर आपको दिखाएंगे। तो अब जो है ना, ये इस हैसियत से हमें एक रिवायत मिलती है कि अली राजन सरकार, जिनका दरबार जो है ना मुगलिया पीरियड की एक यादगार है, तो हुमायूं ने, शायद हुमायूं के दौर में वो तामीर हुआ, तो उसका ये सुनते हैं कि उनके ये मट या मट्टी जिसको कहते हैं कि वो पानी की भरा करते थे, खिदमत गुजार थे। तो इस हवाले से उनको उनके दरबार के साथ इनका ये मंदिर बना हुआ है और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अली राजन के मोतकिद थे और अली राजन दरबार पर वो मनते भी मानते थे। आज भी इंडिया से लोग जब आते हैं तो वो उसका जिक्र करते हैं। जी, यहाँ के जो मकामी हैं मुसलमान, क्या आप भी वो इस मंदिर पर हाज़िर होते हैं? जी, अब हिंदू आबादी यहाँ मौजूद है लेकिन वो दूर है, वो भी यहाँ आते हैं, लेकिन मुस्लिम जो हमारी आबादी है उसमें जो प्रेमी लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके अंदर नाम भी लिखे हुए हैं, मैंने अभी देखे हैं, एक लड़की का भी नाम लिखा हुआ है, साथ लड़के का भी अदनान लिखा हुआ है, तो वो लोग आते हैं या मनते मानते हैं, क्योंकि उनके जहन में है कि उनके बुज़ुर्गों ने या रिवायत सुनी हुई है कि ये प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर। तो आज भी वो अगर मन्नत मानते हैं कि हम एक दूसरे को चाहने वाले अगर एक हो जाएं तो यहाँ हम जो है ना आके एक चांदी का दिया देंगे, या जो है ना यहाँ जो है ना हम एक यहाँ का नक्श जो है ना वो यहाँ देंगे। वो आज भी आते हैं और देखें, उन्होंने ये तावीज़ात जो है ना वो जहाँ से भी उन्होंने लिए हैं वो मोहब्बत के, वो आके यहाँ रख जाते हैं कि किसी यहाँ पीर से लिए होंगे और उन्होंने ये आकर जो ना यहाँ जब उनकी मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने आके ये अगरबत्ती भी यहाँ जलाते हैं, दिए भी जलाते हैं और ये वहाँ यहाँ तोड़ कर यहाँ रख जाते हैं कि हमारी मन्नतें
पूरी होगी। मतलब ये मोहब्बत कहानी की निशानियां हैं। जी जी। आप यहाँ से कलेक्ट करके हमें दिखा रहे हैं। जी जी, जी हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे दोस्त मियां इमदाद हुसैन सिराही लिखी, उनसे मालूम करते हैं इस मंदिर के बारे में। जी मैं यही जानता हूँ और बुजुर्गों से यही सुना है वाले साहब से कि ये जो है ना गाड़ूलाल का मंदिर है और ये जो खिदमत गुजार था जो सरकार लाल अपना राजन सिंह के जो आते थे फरीदैन उनको इनकी अकीदत देखें सुनना में आया है कि हाथ पर कपड़े बांध कर पानी पिलाता था कि अगर मैं हिंदू हूँ अगर मेरे से ये करात ना करें इस वजह से कि यार पानी ना जो तो इसकी इस हद तक खिदमत गुजार था। अब ये देखें इनके जो मंदिर है अब मतलब खस्ता हाली का शिकार है। दूसरा इन्होंने दिए जलाने के लिए जगह जगह पर 3 फुट के फासले पर ये जो है ना इन्होंने पूरे मंदिर में जाले बनाए हुए हैं और अंदर इनकी पूरी एक हिस्ट्री अवतारों की दर्ज है। वो बेल बूटे इंतहाई खूबसूरत नफीस काम फर्श पर देखे रंगों का और अंदर का इतना खूबसूरत आवाज़ गूंजती है। भरी पुरानी जो टाइल है उससे ये बना हुआ है। चूने और बजरी और दाल वगैरह उनसे ये मतलब है इसमें मिक्स मुख्तलिफ चीज़ों से ये तामीर है इसका और देखे ना सफ़ेद इसकी सीमेंट अब तक वो है तकरीबन अच्छा 400 साल गुजरने वाले। अच्छा ये आपने कितना मतलब एग्जैक्टली तो नहीं एक रफ अंदाजे के मुताबिक आपसे पूछ लेते हैं कि रफ अंदाजे के मुताबिक ये कौन सा ऐद हो सकता है? ये हमायूं मुगलिया पीरियड का दौर है जब ये मंदिर तामीर हुआ था और इसी तरह दरबार जो है ना अली राजन भी उसी दौर का है मुगलिया अहद का। तो उस वक्त का ये है तकरीबन आज से जिस तरह ये बता रहे हैं कि 400 साल 500 साल हो सकता है। और देखें जो इनके अंदर अवतार बने हुए हैं ना तो उनमें आपको सांप नज़र आते हैं। हाँ जी हमने देखा है कि उसमें हाथी हैं और वो जंगे लड़ रहे हैं। हाँ, और पहले जो है ना तीर की मशकें हैं जंगी हैं। उसके बाद ग्रेजुअली वो आगे बढ़ते हैं फिर वो परी है सांप से मुकाबला होते हैं आखिर में फ्रूट में नज़र आते हैं। जी जी ये धर्म जो है उनका उसमें ये एक प्रेम कहानी है जिसको उन्होंने नक्श व नगार में दिया हुआ है यहाँ। तो ये पूरी एक कहानी है जिस तरह के जो ना आपने अभी बताया कि वो हाथी वो एक ताकत की अलामत है सांप भी जो है ना वो उसके बाद वो जंग है तीर हैं उसके बाद जो है ना वो फ्रूट जो नज़र आता है आपको यहाँ तरबूज नज़र आ रहे हैं दूसरे नज़र आ रहे हैं वो मंजिल है। यानी कि ये प्रेम और मोहब्बत की जो है जंगें जो है ना वो अबूर करके फिर वो उनको फ्रूट मिलता है मंजिल मिलती है। तो ये उनके अवतार उनके धर्म में भी ये एक सिंबल हैं जो अंदर आज भी मौजूद हैं। हाँ सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे महकमे औकाफ की कि वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे वरना ये तारीख ये कोई ये नहीं है कि हम इसको अगर प्रिजर्व करें या इसको महफूज करें तो हम हिंदू हो जाएंगे। नहीं ये हमारे तारीखी विरसा हमारा जो तारीखी विरसा है हिस्ट्री ऑफ लैया का उसका एक अहम जो है ना ये पार्ट है और इसको महफूज करना चाहिए। जो जी आपकी बात दुरुस्त है। जी जी मजीद पूछते हैं मियां इमदाद लिखी सराही साहब से कि ये जो अभी रकबा बता रहे थे क्या ये रकबा सब मौजूद है इसके नाम ये, जी जी अस्सलाम शेख साहब ये सब मौजूद है इधर साथ ही मतलब है इस पर सजानी जो बलोच हैं ये मतलब यहाँ जुलानी मुख्तलिफ अकवाम यहाँ पर मतलब इसको गा रही है और ये लोग बैठे हैं ये वैसे ये औकाफ के नाम है और इन गाड़ूलाल के नाम वक्त है। कितना रकबा हो सकता है? 75 एकड़ सुनने में आया है थोड़ी बात में 75 एकड़ जी 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 और 3.5 मुरब्बे जा कर अभी हमें आउटडोर पर जो है ना कुछ इस आबादी के लोग मिले हैं जुगलानी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जी बिल्कुल उन्होंने हमें मालूम दी है कि यहाँ की जो आबादी है वो चाहती है कि ये मंदिर किसी तरह से गिर जाए ताकि हम जो इनके नाम का ये जो रकबा है उसका नाम व निशान भी ना रहे और लोग जो आते हैं यहाँ या इसको हाईलाइट करते हैं तो वो कल कलां को ये जो हम काबिज़ हैं तो हमसे ये रकबे वागुजार ना कराए। तो ये उनका भी कहना था और मेरा भी ख्याल है कि वो लोग लेकिन हुकूमत को चाहिए और ख़ास तौर पर
लहिया की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको अपनी तहवील में ले और इसका जितना भी रकबा है उसको जो है ना अपनी तहवील में इसी मंदिर के नाम पर जो है ना यहाँ जो विजिटर आते हैं उनके लिए यहाँ जगह बनाएं और जो लोग आते हैं हिस्टोरियन आते हैं या दूसरे सयाह आते हैं उनके बैठने उठने की एक सरकारी जगह होनी चाहिए। महेंद्र प्रताप चांद हमारे इसी धरती के जो है ना वो फर्जंद थे और करोड़ लाली सन उसमें प्रेम नवाज उनके घर का नाम है। हम साथ थे जब वो 2000 तकरीबन 10 में यहाँ आए थे। उनके साथ उदय भान हंस थे जो जिनका जो है ना पैदाइश देहरादून पनाह की थी और उनके साथ के एस जैन थे। जैन एक उनका धर्म में वो मजहब का वो पार्ट है जैन मत वाले, तो वो के एस जैन हिंदुस्तान टाइम का साथी था। जी जी। हम सब यहाँ आए थे तो उन्होंने जब ये देखा कि और बड़ा खुश हुए कि ये यार माधु लाल तो हम सुना करते थे लाहौर में लेकिन गाड़ू लाल जो है ना वो हमारी आबादी में अभी तक महफूज है, तो वो उनकी खुशी की इंतहा नहीं। अच्छा जी, मैं इमदाद साहब के ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये एक फेमस प्लेस है हिस्ट्री के हवाले से, क्या आप भी इसको जो है ना फेमस बनाया जा सकता है कि अगर इस पर हुकूमत तवज्जो दे? बिल्कुल बनाया जा सकता है। पहले तो मैं वो बात पूरी करता जाऊँ, यहाँ पर 25 अक्टूबर 2010 को हम आए थे। चांद साहब, मुनव्वर बलोच साहब, शमशाह साहब, उनके घर जो प्रेम नवाज फरमा रहे हैं वो उनकी बड़ी बहन का नाम था, 1935 पर लिखा हुआ था, वो अभी भी मौजूद है वहाँ घर। तो वो ये इसको बनाया जा सकता है। ईसा खान सुना रहा, ईसा खान जरगर उस मरियाज को देखा। तो बेहतर ये है कि ये जो आप कह रहे हैं इस पर केयर की जा सकती है। दीगर जो मंदिर हैं वो सही हैं, आप देख रहे हैं प्रेम मंदिर लैया का बेहतरीन मंदिर है, वहाँ पर खूबसूरत वो उस प्रेम मंदिर में ये होता है भूत नहीं रखे जाते, वहाँ एक दासी औरत बैठती है जो मुख्तलिफ मतलब है दम दरूद और अपने उनके जो होते हैं कीतर में दालें चावल चीनी कपड़े वगैरह वो देते हैं उसमें मन्नत के तौर पर, मुख्तलिफ चीज़ें वो देते हैं, खुशबुआत तेल वगैरह इस किस्म के। तो बात यह है कि इसको देखा जाए मखलूत माशरा था उस वक्त, अब जो है हालात सूरत हाल बदल गए हैं तो अब हम ये बना रहे हैं, हम पर इतराज़ भी होगा भी आप, हालांकि ये एक मोहब्बत की बात है। जी मियां शमशाह सिराही साहब, आप इसको प्रिजर्व करने के हवाले से, इसको महफूज करने के हवाले से हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे? जी मैं यही चाहूँगा कि हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, और मैं लाहौर का मैंने जब विज़िट किया था म्यूज़ियम का, तो वहाँ के डायरेक्टर साहब से भी मैंने बात की थी। जब मैंने उन्हें बताया कि लैया में हमारे डेजर्ट में ये तारीखी चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पुराने मंदिर हैं, यहाँ माधू लाल है, यहाँ वहाँ गाड़ू लाल है, तो उन्होंने कहा था कि हम वहाँ टीम के साथ आएंगे, लेकिन वो उन्होंने उसी का वादा किया था लाहौर में बैठ कर नहीं आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हुकूमत जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है और महकमा औकाफ जो है वो मिलकर इन तारीखी वरसा जो है इसको प्रिजर्व करें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक तारीखी हमारी चीज़ें, ये किसी धर्म या हिंदू की चीज़ें नहीं हैं, तो अब ये जो है ना हमारे इलाके का एक हिस्ट्री का एक पार्ट बन चुके हैं और इनको महफूज करना चाहिए। अच्छा ये जो से हमने तो अपने बचपन में जैसे यहाँ हिंदी लिखी, हमने तो हिंदी नहीं पढ़ी, तो बहुत सारे जैसे विजिटर्स आते हैं, तो जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अगर हम इनको प्रिजर्व करेंगे गोया हमने अपनी तारीख को महफूज किया, और हमने अपनी तारीख को महफूज किया गोया हमने अपने आबाओ अजदाद की हिस्ट्री को महफूज किया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है हमारा वो मज़हब इस्लाम सलामती का एक मज़हब है और शांति का एक मज़हब है, और हमारे इस्लाम में इतनी गुंजाइश है कि हम अकलियतों को हमारे हजूर पाक के ज़माने में भी उनका एहतराम दिया जाता था, और हमें भी ये दर्स है कि हम अकलियतों का ख्याल रखें और जो हिंदू हैं या दूसरे ईसाई हैं या जो हमारे इलाकों में अगर रह रहे हैं तो वो अपने क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था कि अब जो आज़ाद हुआ है हमारा मुल्क, यहाँ हर एक को अपनी आज़ादी है अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने धर्म मज़हब के मुताबिक वो अपना यहाँ जो है ना अदायगी कर सकते हैं। तो मैं मियां इमदाद साहब जी जी आप अपने इख्तितामी अल्फाज में क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी जो है ना देखभाल की जाए। यहाँ पर जो उर्दू में पैगाम लिखा हुआ था, यहाँ के मकामी लोग जो आए हैं देखने, उन्होंने खुरच खुरच कर उसको ख़त्म कर दिया। तो मतलब ये है कहने का, आप माजी के बग़ैर नहीं जी सकते। माजी जो हाल है वो माजी की पैदावार है, तो जितना आप तीर पीछे खींचेंगे उतना आप आगे जाएंगे, ठीक है ना। माजी को आप फरामोश नहीं कर सकते, माजी को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें जो तारीखी हैं इनको संभालना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। मतलब है सफाई का इंतज़ाम हो। यहाँ पर आपके सामने है वो दरवाज़ा, आप टूट गया है और मतलब है वो संग बुनियाद था वो भी उतर गया है तकरीबन। मतलब है इसकी मज़ीद खस्ता हाली की तरफ है, और उम्मीद है कि ऐसे ही होगा। किसी इंतज़ामिया ने कोई इसके बारे में नहीं सोचना, आप जितना भी बोल लें। मेरा तो यही जी मियां शमशाद साहब, आप क्या फरमाएंगे अपने इख्तिताम के अल्फाज में? 10 साल कबल जब मैं महेंद्र प्रताप चांद के साथ यहाँ आया था, तो इस जगह पर जो है ना पूरी जो है ना इसकी संगे बुनियाद की एक प्लेट लगी हुई थी, कतबा लगा हुआ था, जिसमें उस वक्त एक दरार पड़ी हुई थी। तो अब वो 10 साल बाद यहाँ हमें नज़र ही भी नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ कोई इसको संभालने वाला औकाफ की जानिब से कोई मौजूद नहीं है, तो जो जिस तरह आता है वो यहाँ से उखाड़ पछाड़ करके तारीखी वर्षे को बर्बाद कर रहा है। मेरा यही पैगाम होगा कि ये दारुलाल है या जितने भी तारीखी मकाम हमारे इस लैया में मौजूद हैं, क्योंकि लैया एक जो है ना हिंदुस्तान बल्कि बरे सगीर का इल्म व अदब और तारीख का एक गहवारा था, और आज भी ये शहर इल्म दानिश है। तो हम समझते हैं कि इसको जो है ना जितनी बाकियात इसकी बच गई हैं, और इसको DCO साहब विज़िट करें और दूसरे जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ बना हुआ है या पंजाब का कोई है तो वो आकर विज़िट करें, और इसको बाकियात को इसको बचना चाहिए, और ये तारीखी मकामात को हमें इनको बचाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मियां शमशाद हुसैन सिराही और मियां इमदाद हुसैन सिराही आपकी आमद का कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, नई सोच TV के साथ हम मौजूद थे करोड़ और लैया के दरमियान में, लैया शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ू लाल के मंदिर पर। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। मैं हूँ शेख इकबाल हुसैन, अल्लाह हाफिज़।